राजस्थान से सचिन पायलट को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार 23 मई की शाम को जयपुर में तेज अंधड़ और तूफान आया और उस वक्त पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आसमान में अटके रह गए। दरअसल सचिन पायलट दिल्ली से एयर इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर आ रहे थे। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया जिसके कारण इंडिगो की फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो सकी। करीब एक घंटे तक सचिन पायलट का विमान आसमान में चक्कर लगाता रहा। मौसम ठीक होने का इंतज़ार किया गया। मौसम जब ठीक नहीं हुआ तो आखिरकार विमान को अहमदाबाद ले जाना पड़ा। रात में 3:45 बजे सचिन पायलट फ्लाइट के जरिए अहमदाबाद से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वापस अपने घर गए। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E698 से दिल्ली से जयपुर आ रहे थे। रात 9:55 पर फ्लाइट को जयपुर पहुंचना था लेकिन ख़राब मौसम के चलते फ्लाइट लैंड नहीं कर सकी। एक घंटे से ज़्यादा समय तक फ्लाइट आसमान में होल्ड पर रही। मौसम सुधरने का इंतज़ार किया गया। जब मौसम सुधरने की संभावना नज़र नहीं आई तो फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। आपको बता दें सचिन पायलट के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जयपुर एयरपोर्ट पर ही अटके रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।